मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम साइंस में चैप्टर 9 प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली लास्ट लेक्चर में हमने प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार, इसमें परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और मिश्रित परावर्तन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि दर्पण क्या है, दर्पण एक ऐसा पारदर्शी कोई भी चीज हो, जैसे कांच हो, जो पारदर्शी हो, उसकी एक साइड को अगर हम किसी पदार्थ से अगर उसकी पॉलिश कर दें तो प्रकाश किरणें आर पार नहीं जा सकती है, उसे दर्पण कहेंगे। कि जैसे कांच है तो कांच में उसकी दूसरी साइड में पॉलिश की हुई होती है, तो उसे हम दर्पण कहेंगे। दर्पण को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो समतल दर्पण, दर्पण दो भागों में बांटा गया है, एक तो समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण का मतलब यह है कि जिसकी सतह जो है एकदम समतल हो, फ्लैट हो, उसको समतल दर्पण कहा जाएगा, और गोलीय दर्पण उसे कहा जाता है जिसकी सतह मुड़ी हुई हो। तो मुड़ी हुई सतह है तो उसको गोलीय दर्पण कहा जाएगा। गोलीय दर्पण भी आगे दो प्रकार का होता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम यहाँ पर समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, यानी इससे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें पहला है कि समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो उसका जो आकार है वो वस्तु के आकार के समान होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होगा। दूसरा इसका जो पॉइंट है कि प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है, आभासी व सीधा होता है। आभासी का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। तीसरा इसका जो लक्षण है वो ये है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से दूर रखी। फिर इसमें लास्ट जो पॉइंट है कि
समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसमें वस्तु या हम कहेंगे हमारा दाया भाग प्रतिबिंब में बाया भाग नजर आता है और हमारा बाया भाग प्रतिबिंब में दाया भाग नजर आता है। तो हमारा दाया भाग प्रतिबिंब में बाया भाग तथा हमारा बाया भाग प्रतिबिंब में दाया भाग दिखाई देता है। दाया भाग दिखाई देता है, इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो ये जो है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण है। समतल दर्पण यानी हम जो घरों में चेहरा देखने के लिए जो दर्पण काम में लेते हैं वो समतल दर्पण है, और उसमें दर्पण के अंदर दिखाई देने वाला जो प्रतिबिंब है उसके ये निम्न लक्षण है। तो ये तो हुआ समतल दर्पण के बारे में। फिर हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो या वक्र हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण यानी जो ऐसा दर्पण जो मुड़ा हुआ हो उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, इस तरीके से अवतल उसे कहा जाता है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो उसको अवतल कहा जाता है, और उसकी बाहरी सतह पर पॉलिश की हुई होती इस तरीके से। तो इसका जो किरणें जो है इस अंदर वाले भाग से परावर्तित होती है, तो इसका अंदर वाला भाग जो है मुड़ा हुआ होता है अवतल दर्पण में। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण के। फिर इसी तरह दूसरा जो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, बाहर की ओर वक्रित हो। उसे उत्तल दर्पण के इस तरीके से उत्तल दर्पण जो है इस तरह का होता है, जिसमें बाहर की सतह परावर्तक का कार्य करती है और इसमें अंदर की तरफ पॉलिश की हुई होती है। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, और इसमें अंदर की सतह परावर्तन का कार्य करती है तो वो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये जो है गोली दर्पण दो प्रकार का है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके पश्चात गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, पहली जो परिभाषा है ध्रुव। ध्रुव का मतलब यह है कि गोलीय दर्पण में जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे P से दर्शा, इस प्रकार से चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये इसका उत्तर पृष्ठ है, इसका जो बीच का बिंदु होगा उस बीच के बिंदु को ध्रुव कहा जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल। दूसरी जो परिभाषा है वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का मतलब ये है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र बिंदु को, उस गोले के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी इस प्रकार से जैसे ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण एक गोले का भाग है, यानी इस प्रकार से ये पूरा एक गोला है, उस गोले को काटकर दर्पण बनाया गया है, तो इसका जो बीच का बिंदु है इसको वक्रता केंद्र कहेंगे, ये इसका केंद्र बिंदु है और इसको C से दर्शाते हैं। तो ये जो है दो परिभाषाएं हैं, इसके आगे की जो परिभाषा है वो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा।